दोस्तों भले ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2023 का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट के बड़े अंतर से जीत लिया हो, दोस्तों जीत के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ गंदी हरकत की, जिसके चलते भारतीय टीम पर लगा 7 करोड़ का बड़ा जुर्माना और 2 साल का प्रतिबंध। दोस्तों आप भी देखना चाहते हो आखिरकार क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है वर्ल्ड कप 2023 का 5वां मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए 10 विकेट खोने के बाद, जिसमें स्टीव स्मिथ ने 46 रनों की पारी खेली, तो वही डेविड वार्नर ने 41 रन लगाए। भारतीय टीम की ओर से गेंदबाजी कराते हुए रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। उसके बाद दोस्तों इस लक्ष्य पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो मात्र 2 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद दोस्तों 6 विकेट के बड़े अंतर से भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया, जिसमें केएल राहुल ने 97 रनों की नाबाद और विस्फोटक पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 85 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों जैसे ही भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मुकाबला जीत लिया, उसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी कर ली, और इस हरकत को देखकर ICC भारतीय टीम पर 7 करोड़ का जुर्माना लगा सकती है।